तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू गेमिंग यूट्यूबर्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्यों उनके सब्सक्राइबर जल्दी गेन नहीं होते हैं, क्या गलतियां करते हैं। तो भाई अगर आप एक गेमिंग यूट्यूबर हो, आपका गेमिंग कंटेंट है और आप में मतलब टैलेंट है, अच्छा वीडियो अपलोड करते हो, तो भाई इस वीडियो को ज़रूर से देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सब्सक्राइबर जल्दी गेन होने लगेंगे, सब्सक्राइबर गेनिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो भाई आपका जो पहला पॉइंट है वीडियो अपलोड, तो भाई जो आप लोग वीडियो अपलोड करते हो एक दिन में एक, उसके बाद सोचते हो कि भाई मतलब अगले दिन करेंगे या तो फिर उसके अगले के अगले दिन करेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता भाई। एक दिन में आप जितना अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, जितना मैक्स वीडियो अपलोड कर सकते हो उतना करो। इससे क्या होगा कि भाई आपका मतलब वॉच टाइम बढ़ेगा, तो वॉच टाइम बढ़ेगा, सब्सक्राइबर गेन होंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है भाई। आप लोग एक दिन में एक वीडियो अपलोड मत क्या करो, जितना आप मैक्सिमम दे सकते हो उतना दो, मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर सकते हो उतनी करो। तो भाई जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है भाई एडिटिंग, मतलब वीडियो एडिटिंग। तो भाई आप लोग जो वीडियो एडिट करते हो उसमें क्या है भाई, दो मिनट चार मिनट ऐसा नहीं है भाई। आप अपना मैक्सिमम टाइम वीडियो एडिटिंग को भी दो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, क्योंकि जितना टाइम आप एडिटिंग में दोगे उतने जल्दी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई मतलब आपका वीडियो अच्छा होगा तो उसको बंदे पसंद करेंगे, तो आपका मतलब दूसरी वीडियोस देखेंगे तो मतलब आपको सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका वीडियो अच्छा है, आपने अच्छा एडिटिंग पर टाइम दिया है तभी। तो जितना टाइम आप एडिटिंग पर दे सकते हो उतना टाइम दो, आपका मैक्स टाइम दो एडिटिंग को, ठीक है, जिससे क्या वीडियो अच्छा एडिट होगा, बंदे ज़्यादा देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइबर गेन होंगे, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है वीडियो। तो भाई जो आप वीडियो अपलोड करते हो वो उसमें कोई टॉपिक नहीं होता कि मतलब आपने गेम खेला भूया कि आपने वीडियो अपलोड कर दिया भूया हो गया, तो भाई इसमें कोई टॉपिक किधर है। वीडियो तो सभी अपलोड करते हैं, हम सब अपलोड करते हैं, लेकिन उसमें एक टॉपिक होता है ना, तो कोई टॉपिक रखा करो इस वीडियो में। अगर टॉपिक ही नहीं होगा तो बंदे क्यों देखेंगे, क्या मतलब से देखेंगे, क्योंकि गेम प्ले तो वो खुद करते हैं, इसमें देखने वाली क्या बात है। तो भाई उसमें कोई टॉपिक रखो, आपका टॉपिक होना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो ना, आपका किसी भी वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर होना चाहिए, भले आप उसमें वॉइस ओवर ना कर रहे हो बट फिर भी एक टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि जिस तभी तो बंदे लोग वीडियो देखेंगे। अगर टॉपिक ही नहीं होगा तो वीडियो देखने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ठीक है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो, तो भाई आपका हर वीडियो में थंबनेल होना चाहिए, एंड स्क्रीन होना चाहिए। भाई आपका कोई भी वीडियो विदाउट थंबनेल मत रखो, बिकॉज थंबनेल से क्या होता है, आप जो दिखाना चाहते हो बंदे को वो दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब विदाउट थंबनेल क्या, ओनली एक कैरेक्टर और आपका बैटल ग्राउंड, तो ऐसा नहीं होता। तो भाई आप लोग एक थंबनेल ज़रूर रखो और वीडियो ख़त्म होने के बाद एक एंड स्क्रीन ज़रूर रखना, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे इसके कई वीडियोज़ मिल जाएंगे कि हाउ टू ऐड एंड स्क्रीन वगैरह वगैरह, तो भाई आप उनसे देख के एंड स्क्रीन और थंबनेल अच्छा सा अच्छा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो टाइम, तो भाई जो आपका वीडियो होता है वो 17 से 18 मिनट का, ऐसा मत रखो भाई अपना, मतलब मिनिमम टाइम वीडियो रखो, जैसे 5 मिनट या फिर 6 मिनट 7 मिनट। तो भाई आप लोग क्या करते हो, सीधा 17 मिनट का फुल गेम प्ले, 18 मिनट का फुल गेम प्ले, ऐसा मत करो भाई, मैं खुद नहीं देख पाता हूँ भाई इतना गेम प्ले, इससे बढ़िया तो आप लोग खुद खेल लो, एक भूया निकल आएगा भाई, रैंक पुश हो जाएगा। तो भाई अपना मतलब वीडियो छोटे से छोटा रखने का कोशिश करो, ठीक है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है, तो भाई इसको अगर आप करते हो तो देखना भाई सब्सक्राइबर में बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बेसिकली एक पॉइंट नहीं है, वो एक लेसन है, प्याज वाला लेसन नहीं है, एक लर्निंग वाला लेसन है, तो ठीक है आप लोग इसको मतलब ध्यान देना कि भाई आप लोग मतलब इतना कुछ करते हो, आपका व्यूज़ नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है, तो भाई आप लोग डिसपॉइंट हो जाते हो, वीडियो अपलोड करना छोड़ देते हो। तो भाई वीडियो अपलोड करना कभी मत छोड़ना, भले आप कितना भी डिप्रेस हो जाओ, कितना भी डिसअपॉइंट हो जाओ, वीडियो अपलोड करना कभी मत छोड़ना, वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड करते ही रहना भाई। अगर आप लोग हिम्मत हार जाओगे तो भाई क्या कैसे चलेगा। तो भाई अपना मतलब कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल क्लियर रखना, आपको वीडियो अपलोड करना ही है, भले कोई कितना भी डिसअपॉइंट करे, कोई सपोर्ट नहीं होता। गाइस मैं भी इसी दौर से गुजरा हूँ, मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं करता गया और आप लोगों के सपोर्ट ने यहाँ तक पहुँचा दिया। तो भाई बिल्कुल हार मत मानना डिसअपॉइंट नहीं होने का, भाई कोई कुछ भी बोले किसी से कोई मतलब ही नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है, जो आप कर रहे हो वो करो, वो अच्छी बात है आप कर रहे हो, तो मतलब डिप्रेस नहीं होने का, डिसअपॉइंट नहीं होने का, ठीक है। जो आप कर रहे हो करते जाओ, जब तक आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँचना जाओ, ठीक है। तो जो भाई एक पॉइंट नहीं था, ये बेसिकली एक इमोशन था जो कि मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, ठीक है।
तो भाई बिल्कुल हार नहीं मानने का, ठीक है, जो आप कर रहे हो करते जाओ। तो भाई जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, गेम पे फोकस। तो भाई गेम पे इतना फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे 15-20 किल होंगे तो ही बंदे देखेंगे, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है। आप टॉपिक रखा करो, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, टॉपिक दो, किल वगैरह का कोई टेंशन मत लो, आपका जितना किल भी हो उतना चलेगा, ठीक है। तो भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो गाइस, लव यू।